ये सिलसिला ऐसा है कि हमारे समाज के अंदर ही ये रिलेशनशिप को खोने की एक प्रथा हो गई है. अलग अलग प्रथा बनती है और फिर इंसान को इंसान से दूर कर देता है. किसी ना किसी कारण से ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, समझदार लोग हैं, इसको पकड़ लेते हैं और इसको उतारते हैं. और जब ये कल ही मेरे सामने ये ऑफर आया, जब पता चला कि अरुण मिश्रा जी जो ऐसे ही एक कैमरामैन थे महाजन साहब, जिनके ये एसोसिएट रह चुके हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई. और मुझे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी और मुझे अंदाज़ा था कि ये सब्जेक्ट कैसा होगा और कैसे ये ट्रीट किया जाएगा. और आज के मल्टीप्लेक्सर्स के लिए इससे बड़ा कमर्शियल सब्जेक्ट कुछ नहीं है. धन्यवाद. घाट क्लैप भाई. बूम थोड़ा नीचे करना. हीरो का गला परफॉर्मेंस में और ये कॉन्सर्ट है बनारस में, तो भी आपको पता ही है. अभी एक्चुअली क्या क्या कहानी उनको मालूम तो है नहीं, पूरे स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में सारा तैयारी होगा, उसके बाद में तो फिर मैच्योर हो जाएंगे. क्या स्क्रिप्ट के बारे में क्या बोलने क्या क्या. जब ये सब्जेक्ट मेरे पास आया, मुझे ये सब्जेक्ट सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सब्जेक्ट सबके सामने आना चाहिए, मूवी बननी चाहिए ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर, बिकॉज अभी ऐसा मूवीज आ ही नहीं. उसके बाद जब मैं सोच रही थी कि किसको कैरेक्टर लिया जाए, तो धनिया मैं हूँ आर्टिस्ट. फिर जब सर ने मुझे कहा कि मैं माइन आप कर सकती हूँ, जो धनिया कैरेक्टर है आपने हमारे नाम कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है. जनाज का कॉन्सेप्ट है और इसमें क्या है, ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण का और ब्रह्म जो बोलते हैं उनका दिखाया नीच नीच में, ऊंच नीच जो होती है वो सब हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होता है. वही कॉन्सेप्ट उसके ऊपर हम लोग बनाए हैं.